वाला है ब्लॉग। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो कि हर युवा वर्ग को, हर निब्बा निब्बी वर्ग को और यहाँ तक कि भैंचो बुढ़ऊ वर्ग को भी लग गई है। और ये एक ऐसी महामारी है जिसमें इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, ठीक है, और नहीं बताने वाली चीजों को भी दुनिया के सामने पेश कर देता है, ठीक है, समरिया। कोई कोई ब्लॉगर तो इतना मानसिक संतुलन खो बैठा है कि वह यूं लगने लग जाए कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को उसकी वजह से जानते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। हाँ, सही बात है। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि भैंचो उत्तराखंड भी कोई जगह इंडिया में है। सौरभ जोशी पहले आया दुनिया में और उत्तराखंड बाद में आया। ओ भाई, आप मेरी रजाई है ना, मैं आपका गद्दा हूँ। ये रजाई है, ये गद्दा है। अरे तो चमन चूजो, दोनों मिलके टेंट हाउस खोल लो, शादियों में रजाई गद्दे सप्लाई करना। बाकी तो पता नहीं, लेकिन गद्दा एक नंबर का रहेगा। सब्सक्राइब क्या करना है? यहाँ करना है सब्सक्राइब। बहन चोद, जिस हिसाब से तेरे अंदर ठरक भरी है ना, तू अभी इसको सब्सक्राइब कर देगा है? और इसके 9 महीने बाद हमको तुम्हारे बेल आइकन घूमते नजर आएंगे। अरे कुछ काम धंधा कर लो, देश की जनसंख्या पहले ही बढ़ी हुई है, चीन से पहले नंबर पे आने वाला है। क्या बोलते हो, ऋतिक का दूध आता है दोस्तों, उसी में मतलब ऋतिक का दूध थोड़ा सा आता है दोस्तों। ऋतिक का दूध? अरे वो ऋतिक का दूध नहीं है, वो भैंस का दूध है दोस्तों। तुम्हें लग रहा है ये ऋतिक दूध दे सकता है? तो ऋतिक अभी रो रहा है, देखिए कितना नखरा कर रहा है। ऋतिक रो रहा है? अरे भैंचो, ऋतिक रोएगा ही, ऋतिक थोड़ा सा तो दूध देता, उसको भी तुम पी जाते हो। तो ये भरेगी काजल दोस्तों अभी पानी, और ये देखिए दोस्तों काजल क्या कर रही है अभी, और काजल इसको भी खाएगी। और दोस्तों अभी काजल सजने में लगी हुई है, पूरे ब्लॉग में काजल काजल काजल। भैंचो, जैसे तूने नेल पेंट लगा रखी है ना, उस हिसाब से काजल तेरा नाम होना चाहिए। सही बात है। हाँ बोलता है दोस्तों, लेकिन अपना मन में ही बोलता है ये। ऋतिक बेचारा मन में यही बोला है कि इसको सज लेने देते हैं, क्योंकि सजना ही जरूरी है वीडियोस में। अगर सजेगी नहीं काजल तो लगेगी तो छुरेल की तरह, क्या बोलती है? सजना जरूरी है। जैसे तेरा वीडियो देखे ना मैंने अब तक, उसमें सजना नहीं दिखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेरी सारी वीडियो में हमें काजल सजी हुई कम और खुली हुई ज्यादा दिखती है। प्यारी समझ गई। बोलिएगा आप लोग, सपोर्ट ज्यादा कीजिएगा तो रोमांटिक भी वीडियो मिलेगा इस चैनल पे देखने। अरे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हमारे लौंडे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन भैया, अगर तुम तुम्हारे ब्लॉग के 2 बटन और खोल दो ना, कसम से बोरी भर भर के सपोर्ट आएगा। अच्छा। तो आज का जो ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं, आप लोग से ये कहने के लिए कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं। अरे भोपड़ी क्या, ये लोग तो शेयर करने के लिए तैयार हैं। तू कंफर्म कर ले कि जहां तूने इशारा करके शेयर करने को कहा है ना, क्या तू सच में शेयर करना चाहता उसको ब्लॉग को? और यहाँ पे है ना, सुबह सुबह है ना फ्रेश गाय का दूध निकालते हैं। फ्रेश गाय का दूध? अरे ओ पढ़े लिखे बैल, फ्रेश गाय का दूध नहीं होता, गाय का फ्रेश दूध होता है। कोई पेड़ में टमाटर या मिर्ची नहीं लगी हो तो तोड़ कर फ्रेश ले आए। भैंचो इसीलिए कहते हैं थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए आम जिंदगी की। ब्लॉगर बना दिए, इनको पता ही नहीं है कुछ। देश संकट में है। आप लोग को इंटरेस्टिंग और रोमांटिक वीडियो इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। रोमांटिक और इंटरेस्टिंग? हमसे पूछा, हमको चाहिए ही नहीं रोमांटिक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। मुझे नहीं चाहिए। अरे हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट के नाम पर सिर्फ हमने लोन ले रखा है, और रोमांटिक के नाम पर हमारी जिंदगी में कोई टिक ही नहीं पा रहा भैंचो, तो हमें नहीं देखने तुम्हारे इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ब्लॉग। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा जरूर। जब तक आप अपने ब्लॉग से हाथ हटाइएगा नहीं, तब तक हम बताइएगा कैसे कि आपका ब्लॉग कैसा है। साला लुगाई का ब्लाउज ना हो गया, बेल आइकन हो गया, बार बार दबाई जा रहा। इसको रोमांटिक नहीं, इसको ठरकांटिक कहते हैं। ये बढ़िया था गुरु। यहाँ का कुछ काम चल रहा है, हमारे वाईफाई वो तो वहाँ रह गई अपने घर पे। क्या घर पे रह गई वाईफाई वो? तो तू ये काम कर, जल्दी से अपने वाईफाई बुला ले, वरना तेरे वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे, क्योंकि तेरा खुद का नेट बहुत स्लो है।
और तेरा वाईफाई का जो हॉटस्पॉट है ना भैया, 2 GB/s के हिसाब से। क्यों रे लंडो? मैं नहीं मानता। तो फ्रेंड देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं अपने बिस्तर पे, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग बनाना। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। अरे ऐसे अपने ब्लॉग में किसी और का स्वागत नहीं करते, वरना कोई तेरे ब्लॉग को ले जाएगा और अपने चैनल पे अपलोड कर देगा, समझ रहे हो? तो इस ब्लॉग को घर में ही रख, वरना जैसी हरकत है ना, कोई तुम्हारे बेल आइकन तोड़ जाएगा, साथ में नोटिफिकेशन भी दबा जाएगा, फिर कहते रहना जिंदगी बर्बाद हो गया। देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है, अभी हमारे घर खाना नहीं बना, आज खाने में क्या बनेगा? कुछ नहीं, क्योंकि तुम तो दोनों मिलके यहाँ रायता फैला रहे हो, तो खाना कौन बनाएगा? बाबा जी का ठुल्लू बनेगा। और कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए अपडेट हो तो चैनल करो सब्सक्राइब और घंटा वंटा दबा दिया करो भाई चैनल का। और लास्ट में दो लाइन जो हमेशा से बोलती हो कि देखो जिंदगी जो तू हमें सिखाती है ना, वो स्कूल का भैया कोई भी मास्टर ना सिखा सके, कोई भी कॉलेज को लेक्चरर ना सिखा सके, तो जिंदगी की जो सीख है ना उनको थोड़ा सीरियसली लो, बहुत काम आना है ना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार, वंदे मातरम।